श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 20वां सूत्र 3 अनुवाद। स्वस्वरूप की कहां रूपता है, कहां विद्या है और कहां अविद्या है, कहां मैं है अथवा कहां यह है, कहां मेरा है, कहां बंध है अथवा कहां मोक्ष है। व्याख्या। आत्मज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक जी उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं, अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर ही निज आत्म स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया है। माया में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहां मैं नहीं वहां मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं, इसीलिए मोक्ष भी नहीं। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, न उसका मोक्ष ही है, वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष, बंध और फिर से पढ़ते हैं। वह तो नित्य है, बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है। अहंकार निरअहंकारी दोनों से मुक्त है, निरअहंकारी दोनों से मुक्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।